दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। गोली लगने पर इंसान की मौत दर्द होने से होती है या फिर उस पर लगे गन पाउडर के जहर से होती है? दोस्तों हम सभी को पता है कि जब कभी किसी इंसान को गोली लगती है तो उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। इसी वजह से सैनिकों से लेकर पुलिस वालों तक हर किसी को बंदूक दी जाती है ताकि वो इसका प्रयोग करके सामने वाले मुजरिम को घायल कर सके और वक्त आने पर उसको मौत के घाट उतार सके। पर आपके दिमाग में ये सवाल एक ना एक बार तो जरूर आया होगा कि आखिर किसी इंसान के शरीर में जब गोली लग जाती है तो उसकी मौत किस तरह होती है, गोली लगने के दर्द से या फिर गन पाउडर के जहर से? तो दोस्तों ये सवाल काफी पेचीदा है और इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक इसी तरह बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस एडवांस जमाने में हथियार भी काफी एडवांस हो गए हैं, वरना जब हमें किसी को कोई नुकसान पहुंचाना होता था तो पहले के समय में हम उस पर किसी भारी चीज से वार करते थे। फिर धीरे धीरे समय और ज्यादा बदलने लगा और लोगों ने धारदार हथियारों को बनाना शुरू कर दिया ताकि हथियार के धार की वजह से सामने मौजूद जानवर या इंसान को ज्यादा बेहतर तरीके से घायल किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हथियार तो धारदार हो जाते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल हमें दुश्मन के पास जाकर करना पड़ता है और इतनी देर में दुश्मन भी हम पर उलटवार कर सकता है। इन्हीं सब चीजों को सोचकर बंदूक का आविष्कार हुआ था ताकि इसमें मौजूद बुलेट को आप दूर से ही फायर करके किसी का भी काम तमाम कर सकें। हालांकि अब तो काफी एडवांस तरह की बंदूकें आ गई हैं, जिससे ना ही निशाना चूकता है और आप बहुत दूर से वार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बंदूक की बात करें तो उसके काम करने के तरीके के बारे में लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की स्पीड से लोगों की मौत होती है। लेकिन असली बात आपको पता चलेगी जब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आखिर बंदूक में से निकलने वाली बुलेट क्या होती है और किस तरह काम करती है। दोस्तों हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि पूरी आकृति ही बुलेट कहलाती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बुलेट आगे का ठोस धातु होता है और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है। हालांकि लोग बुलेट केस न कहकर उसे भी बुलेट ही कहते हैं। वैसे दोस्तों बुलेट केस को आम बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहते हैं क्योंकि इसी में गन पाउडर भरा होता है और इस गोली के बिल्कुल लास्ट में एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है और इसे इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं। अभी तक तो आपने देख लिया कि इसकी बनावट किस तरह होती है, लेकिन अब देखते हैं गोली काम कैसे करती है। दोस्तों अगर सरल भाषा में कहा जाए तो गोली एक छोटी सी मिसाइल या रॉकेट होती है, क्योंकि जिस प्रकार रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम का होता है और बाकी का हिस्सा मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक इसी प्रकार गोली के साथ भी होता है। क्योंकि गोली के बुलेट केस में एक खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है जिसे हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं। इसी वजह से जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक बिंदु जिसे प्राइमर कहते हैं उस पर जबरदस्त प्रेशर से दबाव डालती है और जब प्राइमर पर दबाव पड़ता है तो उस पर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है और इसी चिंगारी से गन पाउडर में बड़ा ही तेज विस्फोट होता है जिसकी वजह से बुलेट को आगे की तरफ जोरदार धक्का लगता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है जिस वजह से इसकी बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ जबरदस्त फोर्स बुलेट को तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है। ऐसा होने पर बुलेट घूमते हुए तेजी से निशाने की ओर बढ़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि हम पहले बुलेट को रॉकेट क्यों कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह रॉकेट में पीछे फायर करके इसके ऊपर उड़ाया जाता है ठीक उसी तरह प्राइमर में दबाव डालकर चिंगारी पैदा की जाती है ताकि गन पाउडर में आग लग जाए और बुलेट डायरेक्ट अपने निशाने की तरफ बढ़ जाए। पर दोस्तों अब यहाँ सवाल ये आता है कि गोली लगने से आखिर मौत क्यों होती है? अब आपको ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी कि बुलेट के ऊपर कोई भी जहर नहीं लगा होता बल्कि वो सिर्फ एक फोर्स से अपने निशाने की ओर निकलती है और उसी फोर्स की वजह से इंसान के आंतरिक अंगों पर नुकसान होता है क्योंकि गोली लगने से शरीर में हो रहा ब्लड फ्लो गोली लगने वाले हिस्से में रुक जाता है और वहां मौजूद ब्लड बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिकतर मौतें शरीर से ज्यादा खून बहने की वजह से होती। कुछ मामले तो ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पर बुलेट हड्डियों में फंस जाती है और फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाती।
पर सबसे नाजुक हालत तो तब होते हैं जब वो बुलेट सिर या फिर किसी दिल पर लगती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बड़े ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जो काफी ज्यादा नाजुक भी होते हैं, और अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो इंसान की मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि फिल्मों वगैरह में जब किसी की मौत होती है तो गोली या तो उसके सिर पर लगी होती है या फिर सीने पर, क्योंकि और कहीं गोली लगने की वजह से इंसान बच सकता है। दोस्तों, यही कारण है जब कभी भी पुलिस वालों को बंदूक दी जाती है तो उनसे हमेशा यही बोला जाता है कि हमेशा मुजरिम के पैर पर ही गोली मारें, जिसकी वजह से वो घायल हो और चल ना पाए, क्योंकि कभी भी मुजरिम को डायरेक्ट सीने या फिर सिर पर गोली मारने की इजाजत नहीं होती। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला एनकाउंटर कर रहा है तो वह इन जगहों पर गोली मारकर एक ही बार में काम तमाम कर सकता है, वरना हमेशा पैर पर ही गोली मारने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप बंदूक से निकली गोली के चलने से लेकर इंसान के शरीर में घुसने तक का पूरा माजरा समझ गए होंगे। बाकी अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही तो एक्स्ट्रा है। अगर आप भी हमारी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दीवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां आपको एक से बढ़कर एक वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।